हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं निटिंग मशीन से कैसे क्रोशेट हेम डालते हैं तो वो मैं इसकी बना के दिखाऊंगी। तो जैसे सबसे पहले मैंने इसको ऐसे कर लेंगे, फिर इसको मैं ये वाली टूल्स की हेल्प से मैं डालूंगी। तो मैं सबसे पहले पीछे के सारे फंदे मैं आगे कर लूँगी। इसमें मैंने 0 से 30 राइट में, 0 से 30 लेफ्ट में ले रखा है। ये मैं एक लेडीज़ ब्लाउज़ बना रही हूँ जिसमें ये बॉर्डर डाल रही हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये फंदे को देखिए फ्रेंड, इसको मैंने ऐसे ट्रांसफर टूल में लिया। फिर ये मेरे नीडल्स हैं, ये नीडल्स के अंदर डालेंगे अंदर, फिर इसको हम ऐसे करके खींच देंगे। फिर दूसरे नीडल्स में भी ऐसे जाएगा, इसे खींच देंगे। फिर ऐसे करके जो नीडल्स है उसमें भी ऐसे जाएगा, फिर उसमें भी ऐसे जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड कैसे बना रही हूँ, ऐसे करके फिर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे ले रही हूँ। इसको लूज छोड़ना है ऐसे करके। इसको हम क्रोसेट हेम भी बोलते हैं, जो निटिंग मशीन से मैं डाल के आपको बता रही हूँ। देखिए इसको कैसे मैं कर रही हूँ। ये वाला फंदा अगर हम डालते हैं तो हम जो सिंगल बॉर्डर स्वेटर के लिए बनाएंगे मशीन से वो फोल्ड नहीं होगा। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप लोग देख लीजिए एक बार कैसे बना रही हूँ मैं। ये जो नीडल्स है, ये जो हुक है इसके अंदर ही चला जाएगा। फिर इसको हम खींच देंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स कैसे बना रही हूँ मैं। इसको ऐसे करके खींच रही हूँ, फिर जो खाली नीडल्स है उसके अंदर लेकर आ रही हूँ। देख लीजिए ए वाली, फिर ये जो खाली नीडल्स है इसके अंदर ए वाला जाएगा, फिर ए वाली जो खाली नीडल्स है इसके अंदर घुसेगा ये। इसको थोड़ा सा लूज छोड़ना पड़ता है। देखिए ये धागा मेरा ऐसे हाथ में है और इसको ट्रांसफर टूल के हेल्प से मैं इसको खींच रही हूँ। फिर ये वाला धागा मेरा जो खाली नीडल से उसी के अंदर जाएगा ये। देख लीजिए थोड़ी सी ध्यान से, देख लीजिए ये वाला धागा मेरे हाथ में रहेगा इस हाथ में, और ये मेरा जो ट्रांसफर टूल है ये इसकी जो नीडल्स खाली है उसके अंदर रहेगा। फिर इसको हम खींच देंगे, फिर ये जो खाली नीडल्स है उसके अंदर जाएगा ऐसे करके। देखिए मैं दिखा रही हूँ उसको, इसको थोड़ा सा लूज छोड़ना होता है। आप लोग दो एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा ये। तो ये वाला बॉर्डर का यही फायदा है कि ऐसे करके हम फंदा डालते हैं तो हमारे जो नीचे वाला वो है वो फोल्ड नहीं होता। फिर जो ये लास्ट वाला है इसको हम इसी के अंदर डाल देंगे, इस वाले नीडल्स के अंदर, तो मेरा हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने फंदा डाल रखा है। ये मैं एक लेडीज़ ब्लाउज़ बना रही हूँ उसमें मैं ये फंदा डाल दूँ ताकि मेरा नीचे फोल्ड ना हो जाए। तो और मैं सिंगल बॉर्डर बनाऊँगी तो मैं आपको ये बना के फिर दिखाती हूँ।